हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज है 29 तारीख। हाँ, 29 है। और आज सुबह मैं दूसरे चैनल जो है उनके लिए वीडियो तैयार कर रही थी, तो मैंने इस चैनल के व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। अब थोड़ा फ्री हुई, लेकिन देखो ये हाल हो रहे हैं अभी यहाँ देखो, और इस तरीके से किचन हो रही है, तो इसको साफ़ करना है। बर्तन भी मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि उस चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं गई थी, तो उस पर डालनी ज़रूरी थी, तो वो डालूँगी। और अब आज का जो है वीडियो स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी और लेने का बन रही नहीं था। कल जाके मुहूर्त निकला, होता होगा मुहूर्त भी होता होगा, है ना, कि किसी चीज़ के आने का मुहूर्त होता है, तो अब जाके मेरे पास आई है। अब तो उसकी पूजा भी करना बनता है। तो छोटी छोटी चीज़ जो भी मुझे चाहिए होती थी, तो उसके बिना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। अब आपने गैस कर ही ली होगी कि मैं क्या मैंने लिया है, वो मैं पिछले व्लॉग में आपको दिखाई नहीं, क्योंकि अभी लेके आए हैं दोपहर के, पता नहीं 1 बज गए हैं, और अब जाके ये गाड़ी से लेके आए हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही वो चीज़। अब बिना देखे गैस करना कि क्या हो सकती है, वैसे तो आपको पता होगा कि क्या होगी, है ना, तो इससे मेरे बहुत से छोटे मोटे काम जो है अब घर पे ही हो जाएंगे। तो चलो हटाएं, इसकी पूजा करना भी बनता है। अब इतने सालों बाद मेरे पास आई है तो पूजा करना तो बनता है। इसके लिए मैं तरसती थी और ले रही नहीं थी, बहुत सोच रही थी। कल जाके ये मैंने ले ली। गैस करिए पहले, क्या हो सकता है। 1 2 3 ये पता है क्या, अब आपको दिखती हूँ, ये है सिलाई मशीन। और ये मैं बहुत रीजनेबल प्राइस वाली लाई हूँ, ज़्यादा महंगी वाली मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि मुझे इतना काम भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना देखो टाइम दे ही नहीं पाऊँगी सिलाई को, क्योंकि अगर 1-2 चैनल या 3 चैनल पे अगर कभी कभार वर्क करें, डेली इस पे तो वर्क करना ही है मुझे, और उन चैनल्स के लिए भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त सिलाई को दूँ। लेकिन छोटे मोटे चीज़ ऑल्टर करवानी होती थी, कुछ भी उधड़ता था उसकी सिलाई करनी होती थी, तो हर बार तो टेलर के पास नहीं जा सकते ना, और जाते भी हैं तो 30-30, 40-40 रुपये छोटी छोटी चीज़ के टेलर ले लेता है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी थी। अब मैं पुराने कपड़ों का भी रीयूज़ ले सकती हूँ, कई कई चीज़ें मैं बना सकती हूँ, तो जो भी पुराने कपड़े हैं उनको यूज़ लूँगी, सोच रही हूँ दिवाली के बाद या तो। तो ये मैंने ली है, सैमसंग की है और 2100 की है, और यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे आसपास हमें 3,500-3,350 ऐसे मिल रही थी उषा की या सिंगर की, तो मैंने कहा मुझे इतनी नहीं अभी पैसा इन्वेस्ट करना, मुझे सिर्फ ऐसी आ जाए कि मेरा काम भी निकल जाए और चीज़ की चीज़ बन जाए, तो ऐसी लेनी थी। तो ये लो, अभी खोल के दिखाती हूँ, फिर इसकी पूजा करवाते हैं इलू से। ये देखो, तो ये है, ये इसमें लिखा हुआ है सैमसंग, लेकिन ये मुझे लगता है लोकल ही है ना, तो ब्रांड लोकली आते हैं इसमें ज़्यादातर। लेकिन मुझे इतना पैसा नहीं लगाना था, 3,500-3,350 ऐसे, तो मैंने फिर ये वाली ले ली, क्योंकि मुझे हल्का फुल्का काम करना है, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। चलो इसकी पूजा कर लेते हैं और फिर शुरुआत भी करेंगे आज कल से। तो बस यहाँ पे इलू पूजा कर रही है, और फिर इसको आज या कल में चलाना भी स्टार्ट करूँगी। कुछ सूट हैं उनकी फ़िटिंग करनी है, तो ये फ़िटिंग वगैरह हो जाएगी तो ठीक है, घर पे थोड़ी मेरी छोटी मोटी वाली बचत हो जाएगी, क्योंकि अगर कुछ भी कराओ ना तो टेलर से 30-40-50 रुपये ऐसे लग जाता है, तो बाजू जुड़वाओ तो पैसे, फ़िटिंग करवाओ तो पैसे, ऐसे करके, तो अब इतनी छोटी छोटी बचत मेरी हो जाया करेगी। यहाँ पर बस बर्तन फिर मैं धो रही हूँ, और बाकी मुझे सेट करना था, क्योंकि आज मैंने 3 वीडियो बनाई थी 3-4, और ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट की बनती है ना वीडियो, या फिर ऐसा कोई डेकोरेशन वाली होती है या DIY वाली होती है ना, तो उसमें घर इतना फैल जाता है और सारा सामान जो है फैल जाता है, तो सारे सामान को ना मैं ये मशीन वाला जो डब्बा था ना उस पर डाल दूंगी, तो वो बिखरा बिखरा नहीं रहेगा, एक जगह पर सारा हो जाएगा। तो बस वही अरेंज कर रही थी सब कुछ, कुछ कुछ अपना इलू भी डाल देती है इसलिए,
तो कुछ जो बेकार लग रहा था मुझे कि हाँ इनमें से ख़त्म हो गया है तो वो फेंक देती हूँ। तो ऐसा एक डब्बा एक या दो मेरे पास होंगे, उनमें मेरी सारी चीज़ें रखी रहती है, किसी में ग्लू गन है, किसी में सीजर है, किसी में कलर्स हैं, और ऐसे करके दो डब्बे हैं, किसी में लेस है, किसी में स्टोन्स हैं। तो ऐसे कर करके ना ऐसे दो डब्बे हो गए हैं। और फिर वो कुछ बनाओ तो उसको भी संभालना पड़ता है जो हम बना लेते हैं ना। तो ये देखिए कलर्स जो ख़त्म हो गए थे वो हटा दूँगी, और बस ऐसे करके मैंने अरेंज कर लिया था। इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है यार। फिर बस यहाँ पे झाड़ू दी ये सब करके, और फिर इनका अभी लिखने का काम बहुत आया हुआ है तो चाय बनाऊँगी, चाय बना के जो है पियेंगे हम लोग। हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय प्राची'स किचन एंड क्रिएटिव कॉर्नर। नहीं वो क्या शुरुआत होती है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यार आपके प्यारे से दोस्तों, आपके प्यारे से दोस्तों की अपने बस यहाँ पे आ गई थी किचन में, क्योंकि लू के लिए मैंने बहुत टाइम से पास्ता नहीं बनाया था, उसको भूख लगी थी। शाम का टाइम होता है ना, 3:30-4:15 या 4:30 का टाइम जो होता है उस पर फिर उस बच्चों को भूख लगती है। तो बस ये इसको इलू को दे रही थी कि जा किचन में रख के आ जाए। इसकी भी पूरी वीडियो पूरी की है, बनी हुई तो कितने दिन से थी बट इसकी एक पूरी की है। तो यहाँ पे बना रही थी पास्ता, पास्ता बन गया था और प्लेट में जो है लगा रही थी। बस लेके जाएंगे, खाएंगे। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सोचा था पोहा बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे कुछ और ही याद आ गया था। तो यहाँ पे शाम को थोड़ा सा बाहर गए थे, बाहर जाके फिर मैं कपड़े जो है वैसे ही लेके आ गई थी, क्योंकि बंदर की टोली आ गई थी यहाँ पे। तो फिर वो कपड़े वगैरह मैंने तार पे से निकाल लिए थे, क्योंकि फिर वो पूरा वो मचा के जाते हैं सारा कोहराम सा। तो यहाँ पे बस अंदर ही जो है इनको समेट लूँगी। फ्रेंड्स, अभी टाइम तो मुझे नहीं पता है, मेरा खाना बन गया। खाना बिल्कुल सिंपल सा बना है, इसलिए मैंने ना रेसिपी आप लोगों को नहीं दी, क्योंकि पास्ता खाया था। तो फिर मेरा विचार था कि मैं पोहे बनाऊँगी, लेकिन पोहे नहीं बनाए, क्योंकि और यार मुझे नहीं पता चल रहा है शरद पूर्णिमा 30 को है 31 को है, कुछ कन्फ्यूज़न है कैलेंडर में, 31 को है गूगल पे सर्च करो तो 30 को है, ऐसे करके। तो फिर ये सोचा कि भाई कल व्रत है तो रोटी सब्जी ही बना लेते हैं। अब अभी भी कन्फ्यूज़न है, कल सुबह पता चलेगा न्यूज़पेपर में मे बी। तो ऐसे करके बस फली की सब्ज़ी यानी कि बीन्स की सब्ज़ी बनाई, मेरी फेवरेट, और रोटियाँ मैंने बना के रख दी। अब मैं सोच रही हूँ, और कुछ देर इलू के पास था ये फ़ोन, इसलिए ना मैं वीडियो भी नहीं बनाई, कुछ काम कर रही थी। वो लैपटॉप और फ़ोन दोनों चाहिए थे उसको। तो अब मैं सोचूं बचत पे थोड़ी सी वीडियो बना दूं। बहुत रिक्वेस्ट आती है कि त्यौहार फेस्टिव सीज़न में कैसे फिजूल खर्ची से बचें शॉपिंग के टाइम पे। तो 3-4 पॉइंट्स हैं बस, उस पर मैं सोच रही हूँ बना दूं, और ये व्लॉग भी कल ही डाल दूं और वो वीडियो भी कल ही डाल दूं, ऐसा सोच रही हूं। तो थोड़ा सा टाइम निकालना चाहती हूं कि मैं बना लूँ इस टॉपिक पे वीडियो। और करवा चौथ अध्यापन और करवा चौथ पूजा की भी रिक्वेस्ट मुझे आ रही है, तो अध्यापन मैं कर चुकी हूँ। देखो हर कास्ट का ना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो ऐसे मुझे पता नहीं, कुछ लोग 5 बजे इकट्ठा करके पानी वानी पी लेते हैं, हम लोग में ऐसा नहीं होता। पूरे 24 घंटे हम लोग एक बूंद भी पानी नहीं पीते, जैसे कि जब तक चाँद नहीं निकलता है। आज रात जैसे 12 बजे से लेकर कल जब तक चाँद नहीं निकलेगा तब तक हम लोग पानी नहीं लेते। तो देखते हैं, हम मुझे जितना भी पता है ना उतना मैं आप लोगों को बता दूंगी। और क्योंकि आप लोगों को मेरा फंडा तो पता ही है कि मैं ज़्यादा तामझाम पूजा वगैरह मैं नहीं करती, श्रद्धा से करता। तो लेकिन जितना भी है, जो भी मुझे जितनी थोड़ी सी नॉलेज है वो मैं आपको बता दूंगी। और उद्यापन और पूजा सबका अलग अलग होता है मे बी, है ना, तो वो मैं बता दूंगी जितना पता होगा उतना। तो चलो देखती हूँ बचत से कैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, कैसे आप लोगों को मोटिवेट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, और क्या होता है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ उसके बाद बनाती हूँ। तो फिर मैंने वीडियो बनाई थी फिजूल खर्ची वाली, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था, आधा घंटा के करीब लग गया था या पौना घंटा लग गया होगा। तो फिर खाना परोस रही थी, खाना ये 9:30 हो चुकी थी। फिर थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा सा
टीवी वगैरह देखा साथी में, ये ईलू की जो है यहाँ पे मस्ती चढ़ रही। ईलू को डांस का बहुत ज़्यादा शौक है। आप लोगों में से किसी ने पूछा था आजकल ईलू कहाँ है, ईलू ये रही, ज़्यादा कैमरे के सामने आती नहीं है वो, कुछ ना कुछ कभी सुबह को तो इसलिए वीडियो पे नहीं आती, उसकी क्लासेस चलती रहती हैं, तो ऐसे करके शाम को बच्चों के साथ खेलती रहती है, ऐसे करके रहती घर पर ही है, लेकिन हाँ कैमरे पर उतना नहीं आती है। अभी रात के 12 बज गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्रत 30 वाला आज है यानी कि या 31 को है, क्योंकि शरद पूर्णिमा 5 शाम को 5 बजकर कुछ मिनट पे लग रही है और 31 की रात 8 बजकर कुछ मिनट तक रहेगी। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। और एक नेट पे भी देख लिया, गूगल पे और यूट्यूब पे भी देखा, तो कुछ क्लियर नहीं बता रहा है कोई कि व्रत जो करते हैं जो लोग वो 30 को करेंगे कि 31 को करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हमने ही डिसाइड किया है, देखते हैं कल क्या होता है, हो सका और तो फिर दोनों ही दिन हम तो रख लेंगे, एक टाइम ही तो फिर फलाहार करना है। तो फिर अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी बचत पर, फिजूल खर्ची से कैसे बचें, तो वो मैंने बनाई ना, उसमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब आधा पौना घंटा तो वहीं लग गया। 9:30 बज गई थी उधर ईलू के रूम में, फिर बस खाना वाना खाया और उस वीडियो की थोड़ी सी एडिटिंग की, वॉइस और थोड़ा सा बढ़ाया और ईलू को अब सुलाया है। और अब मैं करूँगी बर्तन, किचन की क्लीनिंग, ऐसे करके। तो आज पूरे दिन पूरा पैक रहा, तीनों चैनल के लिए वीडियोस बनाई डाली ऐसे करके। तो अब कल देखते हैं क्या होता है और क्या व्रत रहता है नहीं रहता है, क्या होगा पता नहीं। तो चलो मैं करती हूँ बर्तन साफ और किचन की क्लीनिंग, फिर अपना फेस भी क्लीन करना है और थोड़ा सा स्किन केयर भी करना है। बस यहाँ पे फिर सारा काम जो किचन का हो गया था, तो यहाँ पे फेस को वॉश किया, फिर किचन में जाऊँगी। फिर मुझे याद आया यार मलाई वाला उपटन कर लेते हैं, बेसन और मलाई मिला के। मलाई से क्या होता है ना कि स्किन अभी मेरी इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है, पूछो मत, इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो मलाई से थोड़ा सा ना स्किन मेरी ग्लो भी करने लगती है और जो रूखापन है ना वो चला जाता है। तो बस बेसन में मैंने ओनली मलाई मिलाई है, इससे जो है मैं सुखाऊंगी कुछ देर के लिए, तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। मैंने तब तक में ना ये सूखी थी ना उपटन, तब तक में मैंने अपने पैरों को भी साफ़ किया और हाथों को भी धोया, पैरों को भी साफ़ किया और फिर वैसलीन वगैरह हाथों पे और पैरों पे लगाई। और ऐसे ही हम पहले यही किया कर रहे थे, तो चाहो तो समय मिल जाता, और वैसे भी इनको बहुत सारा काम था तो ये भी दूसरे वहाँ पे काम कर रहे थे। तो फिर मैंने ईलू को सुला चुकी थी पहले ही, तो बस ये वाला काम कर लिया अपना। और ये देखिए सारी जो है ना गट्टियाँ, ये धागे जो है मैंने मंगाए थे कुछ इनसे, मशीन आई है तो धागे आना भी ज़रूरी है ना, तो इनके बिना तो कैसे मशीन चलेगी। तो बस वही ये जो है इस पर मैं सेट कर रही थी इनको, सारी गट्टियाँ इसमें मैं डाल दूंगी क्योंकि अभी मेरी सारी ख़त्म हो गई थी। पता है मेरे पास एक ब्लैक बची थी, एक वाइट बची थी, बाकी सारी ख़त्म हो गई थी ग्रीन और सब। तो मैंने कई तरीके के कलर्स जो हैं वो मंगवाए थे, सुई जो थी वो मेरे पास रखी थी पहले से ही, और ऐसे करके बस ये बॉक्स मैंने बना दिया था। फिर ना तब तक में मेरा जो उपटन है वो सूख गया था, उसको इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। अब मलाई थी क्योंकि मलाई में काफ़ी वो होता है, चिकनाई होती है,
तो ना अपने आप ही उतरने लगता है। ये जैसे जैसे उतर तो आए तो हमारे जो हेयर्स होते हैं ना वो फेस पे अनवांटेड वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। ये धीरे धीरे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही हमने जो है कर लिया तो बस एक बार में ही रिमूव हो गए, नहीं, धीरे धीरे होगा लेकिन जड़ से जो है वो ख़त्म होता है। होम रेमेडीज का मतलब यही है कि हो जाएगा जड़ से लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए धोने के बाद आपको ग्लो दिखाई दे रहा है ना, मेरी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है अभी, पता नहीं क्यों, इतनी है नहीं जितनी आजकल हो गई है। तो बस वही टोनर मैं लगा रही हूँ फेस को हाइड्रेट करने के लिए, वो जो मैंने बनाया था। इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे दूसरे चैनल पे ब्यूटी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। टोनर लगाने के बाद मैंने खूब सारी ये बादाम वाली क्रीम लगा ली जो कि मैंने होममेड बनाई थी, आपको पता है। और होममेड मैं जो बनाती हूँ वो अपने आप पर अप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने कर दिया है, नहीं, मैं अपने चेहरे पर भी अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी वेस्ट करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो ज़रूर से जो मैं बनाती हूँ वो अप्लाई तो करनी होती है, और अप्लाई करने के लिए ही बनाती हूँ खर्चे को बचाने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी क्योंकि अभी ड्राई हो रहा है ना फेस, तो फिर खूब सारी अच्छे से मैंने मसाज कर ली थी ताकि स्किन में एब्जॉर्व हो जाए। तो देखो उसके बाद पूरी जब मैंने मसाज की ना उसके बाद का रिजल्ट देखो कितना साफ़ सुथरा सा क्लीन सा फेस मेरा लग रहा है ना, और काफ़ी चेहरे पे भी कसाव आ जाता है, ग्लो आ जाती है। नोज़ पे देख रहे हो थोड़ा सा ग्लो, और गालों के इधर इधर थोड़ा सा ग्लो देख रहे हो, और सॉफ्टनेस भी काफ़ी फील होती है। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, इस टाइम पे 2 बज चुकी थी। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।